1911 में यहाँ कैपिटल शिफ्ट हुई थी, उसमें जो प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी वो प्रॉपर्टी है वक्फ की, ना कि अदर प्रॉपर्टी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। आपको पता है कि कुछ ही घंटे बचे हैं इसका रिजल्ट आने में, और इससे पहले मैं आप लोगों को हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस, पूर्व जज का एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसने बहुत बड़ी बातें कही हैं, बहुत बड़े खुलासे किए हैं। क्या कहा है हमें इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और इसमें दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को पता है हम मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल की जो शान में गुस्ताखी की है रामगिरी ने, उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इम्तियाज जलील साहब जो कि औरंगाबाद से हैं, उन्होंने जो कि 23 सितंबर को एक रैली निकाली है जो कि मुंबई के लिए, उसके बारे में बताऊंगा इम्तियाज जलील साहब ने क्या कहा है, ठीक है ना। दो बड़ी अहम खबरें हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको पूर्व जस्टिस का वीडियो दिखाने वाला हूं, जो हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, आप उनके वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें कि आखिर क्या कहा है। और कुछ रिजल्ट आने में कुछ घंटे बाकी हैं, उसकी भी मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं। सबसे पहले आप इसे देखिए। और हाँ, एक मिनट मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन घर पर बैठकर हलाल तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसे जाकर आप जो कि सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आपको जो कि जज साहब की वीडियो दिखाते हैं। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस जस्टिस जकीरुल्लाह खान साहब हैं, इनसे हम वक्फ पर लेकर कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर, वक्फ बोर्ड पर लेकर के जो इस समय जेपीसी में जो डिमांड गई हुई है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा है कि वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट है वो अनकॉल फॉर है और वो ज़बरदस्ती किया गया है, क्योंकि कोई भी लेजिस्लेशन अगर टेबल किया जाता है तो उसके ऑब्जेक्ट एंड रीजन्स होते हैं। इनका कोई रीज़न नहीं, ना इनका कोई तय है कहाँ पहुँचना है, ये भी नहीं है, और किसको फ़ायदा पहुँचाने नहीं। अमेंडमेंट इस तरह किए जाते हैं कि एक्ट में जो एनोमलीज हैं उनको दूर किया जाए और जिसके हक में वो एक्ट बनाया उसको फ़ायदा किया जाए। यहाँ ये उल्टा कर रहे हैं, ये चाहते हैं बिल्कुल उसको, उसके जो बेनिफिट्स हैं जिनको मिलना है वो ख़त्म हो जाए, और सारा एक्ट जो है, सारी नजूल, सारी जो ज़मीन है वक्फ की, वो नजूल की तरह हो जाए, जिस पर कि ये अपना आसानी से कर सके और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसका इंचार्ज बना दे। सारा जो तरीका है, जो पावर्स हैं सीईओ की और जो ट्रिब्यूनल की पावर्स हैं, वो सारी ख़त्म करके ये अपने अंडर में रखना चाहते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना चाहते हैं, जिससे कि जब चाहे जितनी चाहे ज़मीन ले सके, जो चाहे उस पर कर सके। ये इनका इंटेंशन ही मैलाफाइड है, अगर इंटेंशन अच्छा होता तो ठीक भी था। इसलिए वक्त का जो अमेंडमेंट है अनकॉल फॉर, विदाउट एनी बेसिस, आर्बिट्री एंड इलीगल। सर, क्योंकि आप जस्टिस रहे हैं, जस्टिस हैं, तो एक सवाल बहुत वाजिब हो जाता है आपसे कि देखा था हमने वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट पर भी क्लेम किया था कि ये वक्फ की ज़मीन है। अब सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली में आप देखें तो प्रधानमंत्री आवास भी, राष्ट्रपति भवन भी है, अब इन तमाम जगहों पर जो संवैधानिक लोग रहते हैं, अगर उन पर भी किसी तरह का वक्फ अगर क्लेम कर देता है तो ये तो हमारे भारत के लिए खतरा है। नहीं, वक्फ के क्लेम की कोई वो वैल्यू नहीं, वक्फ की जो जायदाद है उसको, उसके चक्कर उसमें पूरा प्रोविजन दिया हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है। ये वक्फ तभी होगा जब ट्रिब्यूनल इसको डिसाइड करेगा। जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसमें यह है कि अगर ट्रिब्यूनल कहता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये पूछा उसमें एक्ट पे दिया हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो उसमें अंतिम निर्णय जो होगा वो ट्रिब्यूनल का होगा। ये कह देने थोड़ी होता है कुछ, ये सब जबानी जमा खर्च से कभी कानून नहीं बनता है। कानून जो कानून की तरह पढ़ा जाएगा, ये थोड़ी कि अगर वो कह देंगे साहब ये एक वो पहले तो जैसे नाग कन्या हुआ करती थी कि इसके नीचे नाग रहता है तो ये उसका जो घर हो गया ये आदमी का घर ही नहीं, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। अरे जिससे खरीदा है, जिसका ओरिजिन है उसका घर है, या जो बनाया गया, ये जो प्रॉपर्टी ली 1911 में यहाँ कैपिटल शिफ्ट हुई थी, उसमें जो प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी वो प्रॉपर्टी है वक्फ की, ना कि अदर प्रॉपर्टी, उनका ब्यौरा है। इसलिए ये कहना सब भ्रम फैलाना है और पब्लिक को गुमराह करना है और एक एक ऐसा क्रिएट करना है, एक एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना है जिससे कि पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट ये पढ़ा जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत फहमी है, बिल्कुल गलत। वक्फ का पूरा प्रोविजन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ तक कि वो प्रॉपर्टी दिल्ली की रिकॉग्नाइज है जो 1911 में थी, और वही प्रॉपर्टी केवल क्लेम कर सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है वक्फ? अरे वो ऐसे थोड़ी देखा जाएगा किस प्रॉपर्टी के अंदर आता है, जो प्रॉपर्टी थी उसको देखा जाएगा, और अगर प्रॉपर्टी थी या वक्फ क्या इस्टेब्लिश होगा उसमें प्रोविजन है, उसका वक्फ ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि वक्फ दिल्ली हाई कोर्ट वक्फ की ज़मीन पे बनाए या नहीं बनाए। मैं तो बताया ना कि 113 प्रॉपर्टी उसमें 1911 में चिन्हित की गई थी जब वो आया था,
वहाँ उसमें ओबराय होटल का जो किनारे वाला पोर्शन है उसमें ज़बरदस्ती जो कब्जा किया हुआ है, जहाँ पुलिस का वो है आधी मस्जिद बनी है, वो वक्फ प्रॉपर्टी है। और वक्फ की प्रॉपर्टी जो होगी उसमें सब पूरा वो दिया हुआ है, उसके घाटे दिए हुए हैं, उसका रिया हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू लैंड का जो प्रोविजन है वो अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो खसरा खतौनी से होगा, और अगर अर्बन लैंड है तो उसका डिसीजन होगा नंबर से, बाउंड्री से, अगर वो सब कुछ है तो है और नहीं है तो नहीं है। तो इसलिए ये कहना एक भ्रम फैलाना है और बदनामी करना है और कुछ नहीं। सर आखिरी सवाल ये रहेगा कि जेपीसी में जिस तरह से ये वक्फ बोर्ड वाला कानून चला गया है, आप इसको आगे किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि मेजोरिटी में तो गवर्नमेंट भी और उस जेपीसी की बैठक में ओवैसी साहब भी बैठे होंगे, और फिर हम उसकी उनके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं था, हम तो आपको लीगल पोजीशन बता रहे हैं कि एक्ट में है क्या और एक्ट कैसे बनता है और एक्ट के हिसाब से कैसे काम होता है। ये कह देना कि साहब फला घर मेरा है आप क्लेम करते रहिए, ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं कि फला प्रॉपर्टी मेरी है फला मेरी है, अरे प्रॉपर्टी है या नहीं है ये डिपेंड करता है सबूत से, और सबूत डिपेंड करते हैं एक्ट के अंदर में दिए गए प्रोविजन से, अगर प्रोविजन है तो ठीक है और नहीं तो एक इंच जमीन नहीं मिल सकती। दोस्तों आप लोगों ने जो कि हाई कोर्ट के इस वकील की पूर्व जस्टिस की वीडियो देखी है, आपके क्या समझ में आया है कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं इम्तियाज जलील साहब की वीडियो। इम्तियाज जलील साहब ने, मैं आपको पहले हल्का सा समझा दूं कि जो इम्तियाज जलील ने जो कहा है कि हम 13 सितंबर को, इम्तियाज जलील साहब की आप लोगों ने पहले वीडियो देखी होगी जिसमें कहा था हम 5 दिन का टाइम मांगते हैं, अगर सरकार कोई रामगिरी के खिलाफ एक्शन लेती है तो ठीक है, वरना हम अपनी रैली निकालेंगे कानून और संविधान के दायरे में रहकर। और उन्होंने एक संदेश दिया है अपने युवाओं को कि अगर आपने कोई भी वहां पर गलतियां की, आपके जोश की वजह से कुछ भी हुआ तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है, हमें ऐसा काम नहीं करना है जो सभी मुसलमानों का सर शर्म से नीचे झुक जाए। तो इम्तियाज जलील साहब ने क्या कहा है आप सुने। अगर वो इस तरह की जबान इस्तेमाल कर सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो असद साहब का चेला हूं। हम एक बड़े खास मकसद से, बड़ा नेक इरादा लेकर हम मुंबई की तरफ जा रहे हैं, कोई हुल्लड़बाजी करने के लिए, कोई हंगामा करने के लिए, कोई माहौल खराब करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जोश की वजह से हमारा सर शर्म से झुकना पड़े। हम हुकूमत को सिर्फ एक पैगाम देने के लिए जा रहे हैं, वो पैगाम ये है कि ये मुल्क अगर चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा, तुम्हारी गुंडागर्दी के हिसाब से नहीं चल सकता है। और अगर तुम ये समझ रहे हैं कि ये कौम में कोई उठने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो आपकी बहुत गलत सोच है। आप हमारा इतिहास जानते नहीं है, हमारा इतिहास जंगे बदर की याद दिलाता है। दोस्तों आप लोगों ने इम्तियाज जलील का भी वीडियो देखा है कि जिसमें इम्तियाज जलील ने कहा है हमें अच्छे से समझदारी से जो कि प्रोटेस्ट करना है और रैली निकालनी है। तो उम्मीद है आपको पसंद में आए होंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड के रिलेटेड आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आज रात 12 बजे तक का हमारे पास में टाइम है, कुछ घंटे बचे हुए हैं, आप इस वीडियो को दबा के शेयर कर दें सभी मुसलमानों तक। अपनी जो प्रक्रिया है, कुछ देर की बात है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आने वाला है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा अजहरी साहब का जो कि शेर है, भूल तो नहीं गए उन्हें आप, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, अगर भूल गए हो तो फिर से मैं याद दिला दूं, नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह उसके मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर हम देने वाले हैं, क्या खबर है, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला चल रहा है, सब कुछ आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो मेरे भाइयों से मैं बस कहना चाहूँगा कि जो अपनी प्रक्रिया है जीमेल से जो कि मेल सेंड करने की, वो जारी रखें आप अपनी, ठीक है ना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वक्फ बोर्ड की जो लिंक है, वक्फ लिखा हुआ है उसके नीचे लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करें, अपना नेम वहां पर लिखें, नेम लिखने के बाद में ओपन जीमेल पर जाएं, जो नीचे आपको दिखाई देगा, ओपन जीमेल पर जाते ही सेंड पर कर दें। बहुत सारे भाइयों का जो मेल रिजेक्ट हो रहा है, कुछ नहीं है, एक दो बार होगा इंशाल्लाह, 10-20 मिनट के बाद में फिर से आपका मेल है जो आपको सेंड करना है, सब प्रोसेस सही हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा तादाद की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, इंशाल्लाह 5 करोड़ प्लस हो चुके होंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा अगर आप ऑनलाइन घर पर बैठकर 2 से 3 घंटा काम निकाल कर अर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, आप वहाँ पर उसे जाकर सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड से रिलेटेड क्या बहुत बड़ी खबर, इंशाअल्लाह हमको बहुत बड़ी खुशी की खबर देखने को मिलने वाली है, आप लोगों को बहुत जल्द मैं उसे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखें।
कमेंट सेक्शन में अपने वक्फ बिल के लिए जरूर कुछ ना कुछ लिखिए।